हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कौटल्य कॉमर्स। आज हम लोग रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर का जो लास्ट क्लास जहां पे खत्म हुआ था उसके आगे से कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 लिखा है, एबीसी पार्टनर्स हैं जो प्रॉफिट बांटते हैं 3-2-1 में। 28 फरवरी 2017 सी रिटायर फ्रॉम दी फर्म, बोल रहा है 28 फरवरी 2017 को सी रिटायर हो गया बिजनेस से। द बैलेंस शीट ऑन दिस डेट वॉज एज फॉलोज, एक बैलेंस शीट दिया हुआ है 28 फरवरी 2017 का। लाइबिलिटीज साइड में क्रेडिटर है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। लाइबिलिटी साइड में जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो क्या है सर? प्रॉफिट है। कैपिटल है एबीसी का। एसेट साइड में बैंक है, डेटर है, स्टॉक है, इन्वेस्टमेंट है और फिक्स एसेट्स है। टोटल है बैलेंस शीट का 12,80,000। द फॉलोइंग वॉज एग्रीड अपॉन गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 1,50,000। सी सेल हिज शेयर ऑफ गुडविल टू ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 4:1। सी अपना हिस्सा ए और बी को किस रेशियो में दिया? 4:1। तो सर जो गेन है वो 4:1 में है। हम बोले ऑफकोर्स। फिर लिखा है स्टॉक इज रीवैल्यूड एट 3 लाख। स्टॉक का दाम 3 लाख हो जाएगा। बैलेंस शीट में देखो स्टॉक कितने का है? 2,50,000। बोल रहा है 3 लाख का बन जाएगा। सर स्टॉक इंक्रीज करेगा रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में। उसके बाद डेटर का वैल्यू हो जाएगा 1,50,000। पहले था 1,65,000। बैलेंस शीट में देखो डेटर कितने का दिख रहा है? 1,65,000। नीचे में पढ़ो, लिखा है डेटर का वैल्यू हो जाएगा 1,50,000। तो डेटर बैलेंस शीट से घट रहा है, तो सर रिवैल्यूएशन का डेबिट साइड। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बी ब्रॉट डाउन टू 3,000। बोल रहा है जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आपको दिख रहा है बैलेंस शीट में उसको घटा करके 3,000 रुपया कर देंगे। तो सर बैलेंस शीट में तो वो 10 का है, कितने का कर देना है? 3 का। तो सर 7,000 रुपया से आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस घट जाएगा। कहां जाएगा? सर लाइबिलिटी घट रहा है तो रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में। इन्वेस्टमेंट आर सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 10%। बोल रहा है इन्वेस्टमेंट को बेच दिए लॉस में। कितने का लॉस में? सर 10% का लॉस में। तो सर जो इन्वेस्टमेंट का लॉस होगा वो कहां जाएगा? हम बोले सर वो तो रीवैल्यूएशन के डेबिट में जाएगा क्योंकि लॉस हो रहा है। फिफ्थ पॉइंट, सी इज पेड ऑफ इन फुल। सी को पेमेंट कर देंगे। ये तो सर जब पार्टनर कैपिटल बनाइएगा तब का बात है। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। चलिए शुरू किया जाए। सबसे पहले रिवैल्यूएशन क्या क्या है? स्टॉक इंक्रीज कर गया कितने से? 50,000। तो क्या लिखेंगे? बाय स्टॉक अमाउंट 50,000। नेक्स्ट, उसके बाद सर डेटर घट गया। कितना घट गया है? 15,000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस घट गया है तो सर फायदा कहां जाएगा? रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में। कितना अमाउंट? 7,000। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट को लॉस में बेचे तो सर इन्वेस्टमेंट को घटा दीजिए। ये क्या है? लॉस। कितने का लॉस? 10%। इन्वेस्टमेंट 3 लाख का था, 10% 30,000। जो बच गया वो प्रॉफिट, जो किसको मिलेगा? पार्टनर कैपिटल अकाउंट में, ए बी और सी। -45,000। तो 57 में 45 को माइनस कर दीजिए, 12,000। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट 12, बांटना कैसे है? 3-2-1 में 6,000। 6, 4 और 2। उसके बाद पार्टनर कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते थे सर? 2 स्टेप में। पहला स्टेप बैलेंस शीट से। क्या लिखेंगे सर? लाइबिलिटी साइड का अगर कोई रिजर्व प्रॉफिट कैपिटल है तो वो क्रेडिट में, एसेट साइड में कोई लॉस या कैपिटल है तो डेबिट में। हम बोले ठीक, चलो लिखे बैलेंस बीडी। पांच लाख, 3 लाख, 2 लाख। नेक्स्ट, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, पीएल 1.5 लाख रुपया, 3-2-1, 75, 50, 25। नेक्स्ट,
और कुछ हम बोले नहीं अब कुछ नहीं है, अब नीचे का इंफॉर्मेशन क्या मिलेगा सर, एक गुडविल, गुडविल का ट्रीटमेंट दो बार, तो आओ जो पार्टनर है उसका हिस्सा कितना है गुडविल में, सी का हिस्सा, पूरे फर्म का गुडविल दिया हुआ है 1,50,000, उसमें सी का हिस्सा कितना है 1/6, कौन देगा, बोले सर एंट्री होगा गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग, सैक्रिफाइस कौन किया सी, गेन कौन किया ए और बी, तो सी को क्रेडिट में दीजिए जो सैक्रिफाइस करता है, नाम किसका लिखेंगे गेनिंग का, किस रेशियो में, गेन रेशियो में 4:1, तो 25,000 को 4:1 में बांटिए, 20,000 और 5,000, जैसा हम लोग सीखे हैं गुडविल का ट्रीटमेंट दो बार, डेबिट में किसको मिलेगा पैसा ए और बी को, नाम किसका लिखेंगे सी का जो सैक्रिफाइस किया, ये भी हो गया। सेकेंड रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट हुआ है बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट कितने का 6,42। तीसरा काम सर अगर कोई ड्राइंग होगा तो वो, कोई ड्राइंग है हम बोले नहीं, सी को पे कर देंगे, चलो सी का पैसा जोड़े और उसको पेमेंट कर दे, सबसे पहले जो पार्टनर रिटायर किया उसका सेटलमेंट किससे करेंगे बैंक से, क्वेश्चन में बोला है इसी को पे कर दो, तो 2,52,000 कितना पेमेंट होगा 2,52,000, आंसर से मिलाइए, जी आंसर से मैच कर गया। अब बैलेंस सीडी 5,81,000, 3,54,000, 5,81,000 में 20 गया 5,61,000, 3,54,000 में 5 गया 3,49,000, और कुछ नहीं, तो ये खत्म हुआ पार्टनर कैपिटल। अब क्या बनेगा बैलेंस शीट, पुराना बैलेंस शीट देख के बनता है नया बैलेंस शीट, आइए देखें। सबसे पहला नाम बैंक लिख दीजिए कितना 25,000, दूसरा नाम डेटर दो लाइन छोड़ दिए हैं और लिख दिए हैं 1,65,000 का, उसके बाद स्टॉक 2,50,000, इन्वेस्टमेंट 3,00,000 और फिक्स एसेट्स 5,40,000, क्रेडिटर 1,20,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 10,000, पीएल नहीं आएगा, कैपिटल नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग सीख के रखेंगे सर पुराने बैलेंस शीट का कैपिटल प्रॉफिट लॉस रिजर्व नहीं आता है, हम बोले हाँ। चलो स्टेप नंबर टू, रीवैल्यूएशन का सारा आइटम एडजस्ट कीजिए, डेटर रीवैल्यूएशन के डेबिट में है माइनस कीजिए कितना 15,000, इन्वेस्टमेंट माइनस कीजिए 2,50,000 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्रेडिट साइड में है तो माइनस कीजिए 3,000, आगे बढ़ा जाए। अब क्या होगा, इन्वेस्टमेंट पे बात करते हैं, बैंक वाला बात तीसरा, सर बैंक का नाम मिलेगा तो माइनस कर दीजिएगा, हम बोले ठीक, डेबिट में मिलेगा तो माइनस, क्रेडिट मिलेगा तो प्लस, डेबिट में मिला 2,52,000 तो माइनस,
किसको पेमेंट की है? सी को। और एक जगह और बैंक है सर, और कहां बैंक है? इन्वेस्टमेंट को बेचे हैं, कितने में? हम बोले 270 का बचा है इन्वेस्टमेंट, इतना में बेचे हैं, सेल। कैश मिला कितना? तो बाहर कितना निकलेगा? कुछ नहीं, जीरो। तो सर जब हम लोग इन्वेस्टमेंट को बेचे तो पैसा तो मिला, पैसा मिला तो यहां जोड़ लीजिए। कितना? 270। तो 270 प्लस में 25 प्लस में 252,000 माइनस में कितना बचेगा? 43,000। चलिए फिक्स एसेट्स को बाहर निकाल लें 5,40,000, क्रेडिटर को बाहर निकाल लें 1,20,000, और क्या आएगा? कैपिटल किसका? ए और बी का। ए का कैपिटल कितना? 5,61,000, 3,49,000, 9,10,000। आइए प्लस माइनस किया जाए और देखा जाए क्या बैलेंस शीट मैच कर रहा है या नहीं। 9,10,000 प्लस 1,20,000 प्लस 3,000, 10,33,000। चलिए डेटर्स एसेट साइड देखें, 43,000, 1,50,000, 3,00,000, 5,40,000, सेम है। इस क्वेश्चन में सीखने लायक बात क्या था? इन्वेस्टमेंट का सेल, कि सर इन्वेस्टमेंट को पहले घटाए हैं 10% से, तो वो तो रिवैल्यूएशन का लॉस। हम बोले हाँ, और जब घट गया तो उसके बाद बेच दिए, तो जब बेचे हैं तो एसेट्स तो घट जाएगा, माइनस कर दिए, और बेचने से पैसा मिला, तो पैसा मिला तो पैसा बढ़ गया। तो ये वही बात है जब हमको पढ़ा रहे थे रिवैल्यूएशन, तो बोले भी थे कि रिवैल्यूएशन तब होता है जब वो बेमतलब का बढ़े या घटे। 3,00,000 का चीज 2,70,000 में बेचे तो 30,000 का तो बेमतलब का लॉस है, बाकी का 2,70,000 से जो इन्वेस्टमेंट घटा है उसके लिए बदले में पैसा मिल गया। तो सर इन्वेस्टमेंट घटाएं और पैसा ले लिए तो वो कोई रिवैल्यूएशन थोड़ी है, इसलिए 2,70,000 का रिवैल्यूएशन से कोई मतलब नहीं था। तो ये हुआ हम लोग का 38 का सॉल्यूशन, लिखिए। आइए क्वेश्चन नंबर 39 की ओर बढ़े। लिखा है ऑन 31st March 2018 द बैलेंस शीट ऑफ MS ABC शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द प्रोपोर्शन टू देयर फिक्स्ड कैपिटल स्टूड। क्वेश्चन में क्या लिखा है? फिक्स्ड कैपिटल, चैप्टर 1 फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, वहां पे हम लोग पढ़े हैं दो तरह का कैपिटल होता है, एक फिक्स्ड कैपिटल, दूसरा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अंदर कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट दो चीज बनता है, सारा ट्रांजेक्शन करेंट अकाउंट में रिकॉर्ड होता है एक्सेप्ट कैपिटल। तो सर यहां पर अगर वो बोल दिया है कि फिक्स्ड कैपिटल है तो सर इसका मतलब है आपको करेंट अकाउंट बनाना पड़ेगा, जो सारा काम आप कैपिटल अकाउंट में करते थे वो सारा काम आपको करेंट अकाउंट में करना पड़ेगा एक्सेप्ट कैपिटल। हम बोले हाँ, ये बात हम लोग वहां पढ़े हैं। फिर एक बैलेंस शीट दिया हुआ है जिसमें है क्रेडिटर, जनरल रिजर्व और कैपिटल तीनों पार्टनर का, सब मिला के 10,08,000। बैंक डेटर प्रोविजन माइनस में है, स्टॉक मशीन लैंड एंड बिल्डिंग सब मिलकर 10,08,000। ऑन 1st April 2018 बी वॉन्ट्स टू रिटायर फ्रॉम द फर्म, बोल रहा है बी को रिटायर होना है फर्म से, एंड द रिमेनिंग पार्टनर डिसाइडेड टू कैरी ऑन, तो बचा हुआ ए और सी बिजनेस को चलाएगा। द फॉलोइंग रीएडजस्टमेंट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज हैव बीन एग्रीड अपॉन बिफोर द असाइनमेंट ऑफ द अमाउंट पेबल टू बी। नंबर 1 दैट आउट ऑफ फायर इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर 17-18 10,000 बी कैरिड फॉरवर्ड एज अनएक्सपायर्ड। ये क्या है? प्रीपेड इंश्योरेंस। बोल रहा है 10,000 रुपया का इंश्योरेंस ऐसा है जिसको आप कैरी फॉरवर्ड करेंगे, मतलब वो आने वाले साल का इंश्योरेंस का पेमेंट हो गया, तो सर वो प्रीपेड है। बोले हाँ, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस भी बोलते हैं। तो सर ये तो एसेट्स की तरह है रिवैल्यूएशन का क्रेडिट साइड में। दैट द लैंड एंड बिल्डिंग बी एप्रिशिएटेड बाई 10%, लैंड बिल्डिंग को बढ़ा देंगे 10%, रिवैल्यूएशन का क्रेडिट साइड। प्रोविजन बनाना है 5% का डेटर के ऊपर,
डेटर का वैल्यू है 1 लाख, 1 लाख का 5% 5,000, पहले से कितना बना हुआ है 2, बनाना है 5, बना हुआ है 2, कितना और बनाएंगे कि 5 बन जाएगा 3,000, टोटल बनाना है 5, 2 तो ऑलरेडी बना हुआ है, तो 3,000 रुपए का और प्रोविजन बनाना पड़ेगा, तो कहां लिखेंगे, रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में 3,000 रुपया प्रोविजन के नाम से। नेक्स्ट, मशीन घट जाएगा 5% से, रिवैल्यूएशन का डेबिट साइड। प्रोविजन फॉर 15,000 बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग बिल, एक नया लायबिलिटी आ गया आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर, कहां जाएगा, रिवैल्यूएशन के डेबिट में, लायबिलिटी बढ़ गया। दैट द गुडविल ऑफ द एंटायर फर्म 1,80,000 बी शेयर ऑफ द सेम एडजस्टेड इन ई ए एंड सी हु शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द प्रोपोर्शन ऑफ 3:4 1:4 रिस्पेक्टिवली, न्यू रेशियो कितना दिया हुआ है 3:1। नंबर 7, बी बी पेड 50,000 इन कैश एंड बैलेंस ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट, बोल रहा है बी को 50,000 का पेमेंट कर देंगे, बाकी पैसा लोन में ट्रांसफर कर देंगे। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर करेंट अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ ए एंड सी। तो हम लोगों को सर एक नया बात बनाना है, पार्टनर करेंट अकाउंट, ये सिखाया हुआ बात है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप हमसे पक्का फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप चैप्टर पढ़े होंगे और वहां पे सीखे भी होंगे कि हाँ सर करेंट अकाउंट कैसे बनाया जाता है। चलिए फिर भी आपको हम याद दिलाएंगे क्या क्या बनाना है, रिवैल्यूएशन को हम चारों का फॉर्मेट बना लिए, वर्किंग के नाम पे क्या होगा, हम बोले सर कैलकुलेशन ऑफ गेन, कैलकुलेशन ऑफ गेन रेशियो, ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, न्यू रेशियो दिया हुआ है, सर ओल्ड रेशियो कहां दिया हुआ है, क्वेश्चन को पढ़ो, पहला लाइन में बताया है कि ए बी और सी का ओल्ड रेशियो क्या है, उनका कैपिटल, तो कैपिटल कितना है 3,60,000, 2,40,000, 1,20,000, तो सर इसका रेशियो बना लीजिए 3:2:1, सॉल्व कीजिए 3,60,000, 2,40,000 और 1,20,000 कितना आएगा 3:1, न्यू रेशियो ए और सी का जो दिया हुआ है 3:1, तो क्या हम लोग गेन रेशियो निकाल सकते हैं, बिल्कुल, कैसे निकालते हैं, न्यू में से ओल्ड को माइनस करके, ए का न्यू 3:4, ए का ओल्ड 3:6, एलसीएम 12, बी का ओल्ड न्यू 1:4, ओल्ड 1:4, सी का, बी का न्यू 1:6, एलसीएम 12, 3-2, 1:12, तो निकल गया गेन रेशियो 3:1। बी का हिस्सा गुडविल में, तो पूरे फर्म का गुडविल कितना दिया हुआ है 1,80,000, बी का शेयर 2:6, 60,000, तो ये बन गया हम लोगों का वर्किंग का, बाकी सर ये वर्किंग था। अब आते हैं सॉल्यूशन पे, रिवैल्यूएशन, पहला फायर इंश्योरेंस अनएक्सपायर्ड कैरी फॉरवर्ड होगा, तो सर ये एसेट्स है, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, अमाउंट इज ₹10,000। नेक्स्ट लैंड 10% से बढ़ गया, तो लैंड एंड बिल्डिंग रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में फायदा 50,000, 5 लाख का 10%। नेक्स्ट फिर लिखा है प्रोविजन बनाना है डेटर के ऊपर, कितना बनेगा 5,000, 2,000 तो पहले बना हुआ था तो एक्स्ट्रा कितना बनाना पड़ा 3,000 रुपए, ये तो इजी बात है सर। नेक्स्ट मशीन घट जाएगा डेबिट साइड, मशीन कितने से घटेगा, बोल रहा है 5%, 2,40,000 का 5%, 12,000। नेक्स्ट 15,000 का आउटस्टैंडिंग रिपेयर, आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर 15,000, और कुछ खत्म, रिवैल्यूएशन बन गया 60,000 का प्रॉफिट और 30,000 का खर्चा लॉस, तो सर आपको प्रॉफिट हुआ कितने का 30,000 का 2, पार्टनर कैपिटल एबीसी
कितना रेशियो में 3:1, तो सर 15,000, 10,000, 5,000। देखिए रिवैल्यूएशन तो मैच कर गया, आगे बढ़ा जाए। हाँ सर चलो बढ़ा जाए। पार्टनर करेंट अकाउंट, सर भूल गए कैसे करते थे, हम बोले भूलने का बात ही नहीं है, जो चीज कैपिटल अकाउंट में लिखते थे वो सारा चीज करेंट अकाउंट में आएगा एक्सेप्ट कैपिटल, कैपिटल छोड़ के बाकी सब आप इसी में लिखेंगे। तो सर कैपिटल में जो 3,60,000, 2,40,000 है, 1,20,000 जो बैलेंस बीडी लिखते थे वो नहीं लिखेंगे। बोले नहीं वो कैसे लिखेंगे, वो तो कैपिटल का है तो कैपिटल में जाएगा, उसके अलावा जो भी चीज हम कैपिटल अकाउंट में लिखते थे वो कहां जाएगा, करेंट अकाउंट में। तो चलिए, तो सर कैपिटल को छोड़ दिया जाए तो वहां पे जनरल रिजर्व है, क्या वो जाएगा, हम बोले हाँ वो तो बिल्कुल जाएगा। तो सर लिख देते हैं 1,80,000 का बांटिए 90, 60, 30। उसके बाद और कुछ है बैलेंस शीट में, नहीं। इंफॉर्मेशन, पहला सर गुडविल दो बार ट्रीट होगा, ए और सी का नाम लिखेंगे और किस रेशियो में 3:1, यही है हम लोग का गेन रेशियो। 60,000 को 3:1 में बी को मिलेगा 45 और 15, 60 मिल गया। गुडविल का ट्रीटमेंट दूसरा बार, नाम लिखेंगे बी का और पैसा किसको देंगे, ए और सी में जिसको गेन हुआ है, हम बोले हां। और बताओ दूसरा रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट जो है 15,105, हम बोले ठीक। तीसरा अगर कोई ड्राइंग हो तो वो, क्या कोई ड्राइंग का बात है, नहीं कोई ड्राइंग का बात नहीं है सर। चलिए जोड़ा जाए और अब मेरा बात को ध्यान से सुनना, ए और सी तो बिजनेस को कंटिन्यू करेगा, उसका निकलेगा बैलेंस सीडी। ओ बैलेंस सीडी उधर आ रहा है, इधर भी आ रहा है, उधर भी आ रहा है, ठीक है। ए और सी के लिए क्या लिख लीजिएगा, बैलेंस सीडी, उधर ही आएगा, उधर नहीं आएगा, ठीक। और जो बी है उसका, उसका सीडी कैसे होगा, बी तो रिटायर हो रहा है, जैसे हम लोग जानते हैं कि सर जो पार्टनर रिटायर होगा वो अपना बैलेंस क्यों रखेगा, वो अपना बैलेंस लोन में ट्रांसफर करेगा। तो हम लोग क्या करना है कि करेंट अकाउंट में जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका जो पैसा बनेगा वो कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि उसका कैपिटल का पैसा भी है। तो हम लोग क्या करेंगे कि सर जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका जो पैसा होगा वो ट्रांसफर कर देंगे उसके कैपिटल अकाउंट में, बैलेंसिंग फिगर। आइए जोड़े 60 + 60, 1,20,000 + 10, 1,30,000। तो बी का जो पैसा है वो बैलेंस सीडी नहीं बनता है, ये तो हम लोग भी जानते हैं कि हाँ सर जो पार्टनर रिटायर करेगा उसका बैलेंस सीडी नहीं निकलता है, तो उसका पैसा कहां ट्रांसफर किए, 1,30,000। मन में सवाल हो सकता है कि सर ये पैसा लोन में ट्रांसफर क्यों नहीं कर दिए, क्योंकि अभी जब कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो बी का कैपिटल यहां आएगा, तो क्या हम एक ही आदमी को दो दो बार लोन देंगे कि भाई ये पैसा लोन का फिर ये पैसा लोन का, उससे बढ़िया नहीं है कि सिर्फ इस आदमी का सारा पैसा जोड़ लीजिए, उसके बाद जो बचेगा, जो पेड करने बोलेगा क्वेश्चन पेड कर देंगे और जो नहीं बोलेगा वो लोन में ट्रांसफर कर देंगे, बात ठीक। लेकिन ए और सी उसका तो सीडी निकलेगा, चलो निकाला जाए 1,05,000, 35,000। उसके बाद अगला नाम, अब क्या बनाना है सर, देखिए बुक से पहले मिला के सर करेंट अकाउंट 60-20 मैच कर रहा है, अब हम लोग क्या बनाएंगे, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, क्योंकि हम लोग करेंट अकाउंट में सारा आइटम ट्रांसफर कर चुके हैं तो कैपिटल अकाउंट में क्या जाएगा, हमें सर कैपिटल अकाउंट में बस कैपिटल जाएगा, तो लिख देते हैं बैलेंस बीडी जो है 3,60,000, 2,40,000, 3,60,000, 2,40,000, 1,20,000। क्या और कुछ जाएगा, हम बोले हां सर बी का करेंट अकाउंट का पैसा कहां ट्रांसफर करेंगे, करेंट अकाउंट का पैसा कैपिटल में, क्योंकि यहां पे जो बैलेंसिंग फिगर से आया है वो कहां ट्रांसफर हुआ, क्रेडिट में, कि सर कैपिटल यहां पे डेबिट हुआ है तो यहां पे क्या होगा, क्रेडिट साइड में,
बाय बी करंट अकाउंट की, बी के करंट अकाउंट से कुछ पैसा मिला, कितना 130,000 हो गया खत्म। अब क्या करें, क्वेश्चन में बोला है बी को 50,000 पे कर देंगे अभी, तो सर बी को पे कर दो टू बैंक 50 और बाकी पैसा बोला बी के लोन अकाउंट में। अच्छा ये है बी का लोन, बाकी ए और सी उनका तो सी डी निकलेगा। आइए थोड़ा स्क्रीन को नीचे करें आपको दिखेगा फिर। चलो पहले बी का बात करें कि सर बी का कितना लोन निकलेगा। बी का टोटल 370,000 माइनस कर दीजिए 50, तो सर 320,000 का लोन। देखिए क्या लोन है, हाँ मैच तो कर रहा है, ये आपका बैलेंसिंग फिगर। बैलेंस सीडी 360,000 और 120,000। सर सी का और ए का दो दो को बैलेंस सीडी आ गया, हम बोले दोनों का नाम अलग है दोस्त, एक है करंट अकाउंट का बैलेंस सीडी, एक है कैपिटल अकाउंट का बैलेंस सीडी। देखिए वही है बिल्कुल। अब क्या बनाना है, बैलेंस शीट। सर ये बैलेंस शीट सीडी कहां जाता था, हम बोले छोड़ो करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस सीडी कहां जाता था, सर ये तो जाता था बैलेंस शीट का लाइबिलिटी साइड। तो सेम बात, ये भी कहां जाएगा, बैलेंस शीट का लाइबिलिटी साइड, ये जाएगा कैपिटल के नाम से, ये जाएगा करंट अकाउंट के नाम से। बात ठीक, पहले आप इतना लिखो फिर बैलेंस शीट पे आते हैं हम लोग। आइए सबसे पहला नाम एसेट्स में क्या है, बैंक, तो बैंक लिख दीजिए 80,000। नेक्स्ट डेटर, डेटर है 98,000 का। नेक्स्ट स्टॉक 90,000। मशीन 240,000। ₹500,000। आओ लाइबिलिटी साइड चले, क्रेडिटर अमाउंट इज 1,08,000। रिजर्व बढ़ चुका, कैपिटल आता नहीं है। अब क्या करें, स्टेप नंबर टू, रिवैल्यूएशन का सारा आइटम बैलेंस शीट में एडजस्ट कीजिए, प्रोविजन माइनस, डेबिट साइड में मिला तो माइनस कर दीजिए, मशीन माइनस कीजिए, आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर, सर ये नाम तो मिल नहीं रहा है। क्या सिखाए थे, अगर रिवैल्यूएशन के डेबिट में ऐसा कोई नाम आ जाए जो हमको बैलेंस शीट में ना मिले तो वो कहां चला जाएगा, लाइबिलिटी। ₹15,000 अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, सर कहीं नहीं मिला नाम, तो क्रेडिट साइड का आइटम है सर, एसेट्स बन जाएगा। आइए इसको मिटा ले, थोड़ा जगह चाहिए। अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस कितना, 10,000। लैंड एंड बिल्डिंग प्लस कर दीजिए, ये नहीं मिला, ऐसे ही बाहर कीजिए। क्रेडिटर ऐसे ही बाहर कीजिए। तीसरा स्टेप बैंक, सर बैंक का नाम ढूंढिए, डेबिट में मिला तो माइनस कर देंगे, मिल गया 50,000 से, बी कैपिटल उसके बाद। और बताओ और क्या होगा,
फॉर्मूले सर और कुछ? हाँ, कैपिटल जो बैलेंस शीट डी आया उसका। तो कैपिटल तो सर ए और सी का है, कितना? 360 120, 480। सर दो दो को बैलेंस शीट डी है, एक करंट अकाउंट का है तो करंट अकाउंट का भी लिखो। करंट अकाउंट सर बैलेंस शीट डी इधर आया तो लाइबिलिटी में लिखे करंट अकाउंट। अगर मान लीजिए मेरा बैलेंस शीट डी इधर आता तो क्रेडिट साइड में, तो सर वो एसेट साइड लिखा जाता करंट अकाउंट के नाम से। ये सब डिस्कस किया हुआ है। 60,000 20,000। नेक्स्ट, उसके बाद अब क्या होगा? हम बोले सर इसके बाद आएगा क्या? जो बी का लोन है वो, क्योंकि वो तो पेमेंट हुआ नहीं, कितने का लोन बच गया? 3,20,000 का। चलिए जोड़ा जाए और देखा जाए कितना जोड़ करके पैसा बनता है। 4,80,000 plus 80,000 plus 1,08,000 plus 15,000 plus 3,20,000, 10,03,000। इधर भी देखें 30,000, उसके बाद 95,000, 90,000, 2,28,000, 5,50,000, 10,000, 10,03,000। ये निकला हम लोग का 39 का सॉल्यूशन। लिखिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर है 40। लिखा है आनंद बिहारी और सिविन आर इक्वल पार्टनर्स इन ए फर्म। तो एवीएस पार्टनर्स हैं बराबर के। बिहारी रिटायर्स, बिहारी क्या हुआ है? रिटायर हो गया है। एंड हिज क्लेम इंक्लूडिंग हिज कैपिटल एंड हिज शेयर ऑफ गुडविल इज 40,000। बोल रहा है उसका क्लेम कैपिटल और गुडविल मिला करके है 40,000 का। ही इज पेड इन काइंड, बोल रहा है उसको हम समान में पेमेंट किए हैं। ए व्हीकल वैल्यू 20,000 विच इज अनरिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ द फर्म, बोल रहा है क्या दिए हैं? 20,000 रुपये का एक व्हीकल दिए, एक गाड़ी दिए हैं, और वो गाड़ी बुक्स में रिकॉर्ड है ही नहीं, वो गाड़ी दिए हैं। एंड बैलेंस इन कैश, और बचा हुआ क्या दिए हैं? पैसा दिए हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू गिव द जर्नल एंट्री फॉर रिकॉर्डिंग द पेमेंट टू बिहारी इन द बुक्स ऑफ द फर्म। चलिए ठीक है, सबसे पहले जो गाड़ी हम दिए हैं वो बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट में, मतलब बैलेंस शीट में रिकॉर्डेड नहीं है। तो पहला काम क्या होगा सर? उस व्हीकल को रिकॉर्ड कीजिए। व्हीकल क्या है? एसेट्स। तो सर एसेट्स को रिकॉर्ड करेंगे तो एसेट्स तो डेबिट हो जाएगा। बोले ऑफकोर्स, तो व्हीकल अकाउंट डेबिट। क्रेडिट में क्या लिखोगे सर? क्रेडिट में लिखेंगे रिवैल्यूएशन, क्योंकि हम लोग जानते हैं एसेट्स बढ़ गया, तो व्हीकल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन कितने का? 20,000। दूसरा एंट्री, हम बोले सर जो रिवैल्यूएशन क्रेडिट हुआ है वो तो फायदा है और कुछ बताया भी नहीं है क्वेश्चन, तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट कहां चला जाएगा? हम बोले सर रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिएगा। तो दूसरा एंट्री, ये जो सर रिवैल्यूएशन हुआ है उसका प्रॉफिट बांट दीजिए। कितना रिवैल्यूएशन हुआ है? 20,000, तो फायदा भी कितने का है? 20,000। किसको बांट देंगे? हम बोले सर जो पार्टनर्स हैं, कौन है? आनंद बिहारी और सिविन। कितने का? हम बोले सर इक्वल बांटिएगा तो जो आएगा वो बढ़ जाएगा। और लास्टली तीसरा एंट्री क्या होगा? पेमेंट करने का। तो तीन एंट्री करना है, आओ पहला एंट्री करें। ये सर ये तो बहुत ही सिंपल है। फर्स्ट एंट्री व्हीकल को रिकॉर्ड करने का, कितने का? हम बोले 20,000। एसेट्स डेबिट होता है, क्रेडिट में क्या लिखे? हम बोले रिवैल्यूएशन, अनरिकॉर्डेड एसेट्स को रिकॉर्ड कर लिया 20,000 unrecorded, दूसरा काम क्योंकि और कोई रिवैल्यूएशन नहीं है तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट हुआ है 20,000 का, तो सर क्रेडिट मतलब फायदा, तो फायदा किसको मिल जाएगा? पार्टनर को। एंट्री को देखो, फायदा दे दिए तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, टू
क्या नाम है, सॉरी नाम है आनंद कैपिटल, और क्या नाम है बिहारी, और क्या नाम है सिविल, कैसे बांटना है ओल्ड रेशियो में। ये तो हम लोग जानते हैं कि हाँ सर रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस ओल्ड में बटता है, ओल्ड रेशियो तो 1:1:1 है, तो 6:6:7, 6:6 और ट्रिक, एक आदमी में क्या कर लिए, एक रुपया कम कर लिए, तो बराबर हो गया बी, पॉइंट को इग्नोर कर रहे हैं, बी रीवैल्यूएशन प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। तीसरा पेमेंट करने का, सीए साहब ध्यान दीजिएगा, सॉरी बोल रहे थे क्वेश्चन में बोला है बिहारी का बकाया है 40 जिसमें कैपिटल और गुडविल जुड़ा हुआ है, लेकिन अभी अभी जो बिहारी का रीवैल्यूएशन में प्रॉफिट आया है ये भी तो वो मांगेगा, तो सर 40,000 जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो तो है ही है, 6,000 रुपया का और क्या आया है रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट, तो बिहारी कितना मांगेगा 40 + 6,667 टोटल 46,667 रुपीज। तो सर पेमेंट कीजिए, पेमेंट करेंगे तो जो मेरा लाइबिलिटी है बिहारी कैपिटल वो डेबिट हो जाएगा, लाइबिलिटी खत्म कि पेमेंट कर देंगे। कितना, हम बोले सर 40,000 जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो प्लस अभी अभी जो प्रॉफिट हुआ उसमें भी तो पैसा बढ़ेगा उसका, हम बोले हाँ। किस तरह देना है, बोला सर 20,000 का व्हीकल दे देंगे और बाकी का पैसा कैश में दे देंगे, हम बोले ओके। व्हीकल कितना का देना है 20 और बाकी हम बोले बैलेंसिंग फिगर जो बच गया, कितना बच गया 46,667 रुपीज में 20,000 का गाड़ी दे दिए और बाकी बचा हुआ बी। बिहारी कैपिटल अकाउंट सेटल्ड, ये सेटल हो गया। तो ये है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 40 का सॉल्यूशन, लिखिए।